जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें अक्सर पंडित नेहरू के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक केंद्रीय व्यक्ति और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यहां उनके जीवन से जुड़े प्रमुख तथ्य हैं। तथ्य नंबर एक, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को भारत के इलाहाबाद में एक धनी कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तथ्य नंबर दो, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की और बाद में इंग्लैंड के हैरो स्कूल और फिर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में अध्ययन किया। तथ्य नंबर तीन, नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विशेषकर महात्मा गांधी जैसे नेताओं से बहुत प्रभावित थे। वह आंदोलन में शामिल हो गए और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार बन गए। तथ्य नंबर चार, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत करने वाले नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। तथ्य नंबर पांच, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन सहित विभिन्न जन आंदोलनों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तथ्य नंबर छह, आजादी के बाद भारत की विदेश नीति को आकार देने में जवाहरलाल नेहरू एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने शीत युद्ध में तटस्थ रुख की वकालत करते हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया। तथ्य नंबर सात, नेहरू ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके सिद्धांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तथ्य नंबर आठ, वह 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, जिस दिन भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। तथ्य नंबर नौ, प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू का कार्यकाल 17 वर्षों तक रहा, जिससे वह भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने, जब तक कि उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने उनके रिकॉर्ड को पीछे नहीं छोड़ दिया। तथ्य नंबर 10, प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने राष्ट्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया और सामाजिक आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। तथ्य नंबर 11, उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर जोर देते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी और औद्योगिकरण की नीति का समर्थन किया। तथ्य नंबर 12, नेहरू को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें 1947 से 48 का भारत पाकिस्तान संघर्ष, 1962 का भारत चीन युद्ध और रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण शामिल था। तथ्य नंबर 13, नेहरू शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भारत में कई प्रमुख शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की। व्यक्तिगत जीवन। तथ्य नंबर 14, उन्होंने 1916 में कमला नेहरू से शादी की और उनकी एक बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी, बाद में इंदिरा गांधी के नाम से जानी गई, और दो बेटे जवाहरलाल और कृष्णा हुए। मौत। तथ्य नंबर 15, जवाहरलाल नेहरू का निधन 27 मई 1964 को नई दिल्ली, भारत में हुआ। परंपरा। तथ्य नंबर 16, नेहरू को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। तथ्य नंबर 17, उनके सम्मान में उनका जन्मदिन 14 नवंबर भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि और नेतृत्व आधुनिक भारत को आकार दे रहा है और वह स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष और लोकतंत्र और सामाजिक प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता का एक स्थायी प्रतीक बने हुए हैं। आपको मेरी यह जानकारी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देना।